आज हम बटर चिकन बनाने जा रहे हैं जो कि रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी और जूसी है। बनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हम तंदूरी चिकन बनाएंगे उस तंदूरी चिकन को अगर हम बटर चिकन की ग्रेवी में भी डालेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो आइए तंदूरी चिकन बनाते हैं। जय हिंद, मैं संजना संजनास ग्रिल एंड शेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैरिनेट करने से पहले चिकन में कट लगाएंगे। चिकन से स्मेल आए इसके लिए हम पहले थोड़ा नमक लेंगे। आपके पास चाहे मट्ठा हो या दही का पानी इसमें डालेंगे। इसे अच्छे से मलेंगे। इससे क्या होगा, चिकन में जो भी स्मेल है वो हट जाएगा। अच्छे से निचोड़ लेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन के लिए थोड़ा नमक, नींबू। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन पूरा हुआ है। इसको हम आधा घंटे के लिए अलग रख देंगे। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तंदूरी चिकन के लिए मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने 2 बड़े चम्मच गोटा धनिया है जो कि अच्छे से धो लिया है और इसे भूनेंगे। 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 तेज पत्ता। धनिया और जीरा को भूनने से इसका स्वाद दुगुना हो जाता है और फ्लेवर भी डिफरेंट आता है। भून गया है, इसे बारीक पीस लेंगे। चिकन तंदूरी के लिए सेकंड मैरिनेशन तैयारी करेंगे। लगभग 1/2 कटोरी सरसों का तेल, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। मैं इसमें कोई भी ऑरेंज कलर, फूड कलर यूज नहीं करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अच्छी कश्मीरी मिर्च है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। नमक 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार। ये हंग कर्ड है 2 बड़े चम्मच, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक, थोड़ा सा हींग, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अभी जो मसाला मैंने रोस्ट किया है जिसमें धनिया, जीरा, काली मिर्च और तेज पत्ता था, इसके 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन। इसे मिक्स कर लेंगे। जो पहले मैरिनेट किया हुआ था चिकन इसको डाल देंगे। इसको हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। जिसमें कट लगाया था वो अच्छे से इसमें मसाला भरेंगे। एक 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 करेंगे और इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिलाएंगे। अगर आपके घर के गार्डन में रोजमेरी है तो आप उसको भी डाल लीजिए। मैरिनेशन का सेकेंड स्टेप हो चुका है। लगभग 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। चलिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं, इसको अब रोस्ट कर लेते हैं।
पैन को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। मैं इसमें सरसों का एक चम्मच तेल डालूंगी। इसे आधा से एक मिनट के लिए फुल फ्लेम में रखेंगे और बीच में चेक भी करेंगे कि नीचे से तला ना लगे। दो मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम में पकाएंगे। बहुत सुंदर कलर आया है, ये देखिए। गैस को ऑफ करेंगे। ये पहले से मैंने ग्रीस किया हुआ जाली वाला तवा लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी तवा नहीं है तो आप स्टैंड ले सकते हैं, मेटल का होना चाहिए, जो कि उसके ऊपर आप अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। या फिर आप चिमटा लीजिए और डायरेक्ट आप ऐसे रोस्ट कर सकते हैं। ये बन गया है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये बन के तैयार हो गया है हमारा रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी चिकन, जो कि बहुत जूसी भी है और टेस्टी भी।